दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग टीवीएस अपाची आरटीआर 125 के बारे में। जी हां दोस्तों, इंडियन टूलर मार्केट में कब तक हमें देखने को मिल सकती है टीवीएस अपाची 125। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीवीएस का क्या फैसला है और कब तक लॉन्च कर देगी, अपकमिंग फीचर्स क्या क्या मिलेंगे टीवीएस अपाची में, माइलेज क्या होगा और अपाची 125 का प्राइस कितना तक में अवेलेबल हमें देखने को मिलेगा इंडियन टूलर मार्केट में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाइक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों अपकमिंग फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स में दोस्तों आपको LED हेडलैम्प मिलने वाला है और डिजिटल मीटर कंसोल, आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल सकता है, और स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर और ट्रिप मीटर, ये सारा आपको फंक्शन डिजिटल देखने को मिलेगा। स्मार्ट एक्स कनेक्ट का फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। बाकी जहां तक बात रही साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन का, तो साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन का भी फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। ये तो जाहिर सी बात है, हर कंपनी की अपनी अपनी बाइकों पर, अब जो न्यू बाइक आ रही है उसमें आपको देखने को मिलता है साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन का फीचर्स, तो वो जाहिर सी बात है कि टीवीएस अपाची आरटीआर 125 में आपको साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन का फीचर्स देखने को मिलेगा। यहीं पे बात कर लें दोस्तों ABS की, तो सिंगल चैनल ABS का जहाँ तक उम्मीद है, मुझे नहीं लगता है कि सिंगल चैनल ABS का ABS का फीचर्स आपको मिलेगा, क्योंकि TVS Raider 125 में यानी 125 cc सेगमेंट में आपको ABS का फीचर्स देखने को नहीं मिलता है किसी भी कंपनी की बाइक में, सिवाय आपको KTM 125 में, आपको Duke 125 में आपको ABS का फीचर्स देखने को मिलता है। अभी बात कर ले दोस्तों राइडिंग मोड्स के, तो राइडिंग मोड्स का भी फीचर्स आपको KTM में ही देखने को मिलता है, बाकी 125 cc सेगमेंट में राइडिंग मोड का फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलता है। तो मुझे ये लगता है कि राइडिंग मोड्स का भी फीचर्स आपको TVS Apache RTR 125 में देखने को नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैकलाइट के बारे में, तो बैकलाइट मिलेगा आपको LED का, बाकी लुक और डिज़ाइन आपको 4V जैसा देखने को मिलेगा। TVS Apache RTR, TVS वालों को कहना है कि 4V लुक में हम लॉन्च करेंगे, लेकिन मेरा जहां तक ये है कि मेरी राय ये है कि TVS Apache RTR 2V लुक में अगर आती तो और अच्छी और मतलब मस्कुलर था और भी अच्छी अमल लगती TVS Apache 125। आपका दोस्तों इसमें क्या राय है आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा कि TVS Apache RTR 4V में आना चाहिए या फिर 2V में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके प्राइसिंग को लेकर, तो अराउंड 1,15,000 के अप्रॉक्स में इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस होगा इंडियन टूलर मार्केट में। और माइलेज की अगर बात की जाए, तो माइलेज ये बाइक 125 cc की बाइक होगी, तो इसमें माइलेज आपको जो ज़्यादा देखने को मिलेगा यानी 60+ का माइलेज आपको देखने को मिलेगा। 1 लीटर में आप 60 किलोमीटर से भी ज़्यादा चल सकते हैं TVS Apache RTR 125 में। अब लॉन्च डेट के बारे में अगर बात कर लें, तो दोस्तों TVS का कोई प्लान अभी कंफर्म नहीं हुआ है लॉन्च डेट को लेकर, लेकिन इस पर बात चल रही है और काम चल रहा है TVS Apache RTR 125 को लेकर, क्योंकि TVS ने अभी हाल ही में TVS Apache को अपडेट किया है और TVS Raider को लॉन्च किया है, तो इतना जल्द दोस्तों कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकता है। कुछ दिन वेट कीजिए, कुछ दिन टाइम लीजिए और TVS Apache बहुत जल्द आने वाला है, खुशखबरी है। और TVS Raider के भी साथ आप जा सकते हैं, TVS Raider 125 cc सेगमेंट में TVS की एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो यही था दोस्तों आज का एक अपडेट, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।